हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टाइफाइड फीवर के लिए बहुत ही उपयोगी और तुरंत असर दिखाने वाली मेडिसिन बताएंगे। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का हमारे यहाँ पर्व जो होता है उसके बाद अधिकतर एरिया में वायरल और टाइफाइड फीवर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दिन गर्म, रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए कई बार मरीज जब फीवर होता है, वायरल होता है, तो वायरल यदि किसी भी पेशेंट को एक हफ्ते से अधिक उसके शरीर में यदि रुक जाता है वायरल, तो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आप एक हफ्ता किसी को यदि लगातार वायरल है तो आप विडाल टेस्ट कराएं। एक हफ्ता वायरल रहने के बाद जब आप विडाल टेस्ट कराएंगे तो आपको टाइफाइड के सिम्टम्स उसमें नजर आएंगे, यानी टाइफाइड आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ये टाइफाइड फीवर जो है कई बार पेशेंट एक एक महीना हॉस्पिटलों में एडमिट रहते हैं, दवाइयों पे दवाइयाँ चलती रहती है, चढ़ती रहती है, और पेशेंट बिस्तर से मिल जाता है, यानी इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसमें उठने तक की शक्ति नहीं रहती, कराहट बनने लगती है, उसके आवाज़ में भी कुलन बन जाती है। वो चीज़ बिल्कुल समाप्त करने के लिए हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे हर साल आते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन टाइफाइड में लेते लेते फिर भी उनका टाइफाइड नहीं निकलता शरीर से। कमजोरी हद से ज़्यादा आ जाती है। कमजोरी ज़्यादा आने के साथ साथ पूरा शरीर पर चिपचिपा पसीना रहता है, आंखों के सामने भी अंधेरी छाने लगती है, पेशेंट को चार कदम चला नहीं जाता, बैठ जाता है, इतनी थकावट कमजोरी महसूस होती है इस पेशेंट को। आज मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड रोग इसमें तापमान हर समय बना रहता है पेशेंट को, और जब ये ताप बढ़ना शुरू होता है तब एक निश्चित सीमा पर आकर वहाँ से ये घटना शुरू हो जाता है। रोगी का रक्त दूषित हो जाता है, कई बार समय पर सही उपचार न मिलने से रोगी खत्म भी हो जाते हैं। उसमें ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है जिस पेशेंट को लंबे समय से टाइफाइड फीवर चला रहा हूँ, जो मरीज को स्वस्थ ही नहीं बल्कि टाइफाइड के कारण बनी कमजोरी में शीघ्र लाभ देने वाली मेडिसिन है। इसके आप सिम्टम्स जानिए कि टाइफाइड में क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं। शरीर में हर समय बेचैनी बनी रहती है, शरीर पर नीले दाग पड़ जाते हैं, दुखन बनी रहती है, मरीज डिप्रेशन जैसे में पड़ा रहता है, दस्त भी लग जाते हैं इसको, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, हाथों से गर्म
चिपचिपा मल निकलना लगता है, पेट में ऐसे लगता है जैसे पेट में आग लगी हो, गरम चिपचिपा मल होने की वजह से कई बार फ्लैश पर मल चिपक जाता है, जो काफी पानी डालने के बाद साफ होता है। थोड़ी थोड़ी इस पेशेंट को प्यास लगती है, घूंट घूंट पानी पीता है, अधिक पानी नहीं पी सकता, अत्यंत कमजोरी होती है इस पेशेंट को। अधिकतर ये रोग रात में अपना आक्रमण करता है, टाइफाइड फीवर अधिकतर रात में इसका फीवर बढ़ता है। हाथ पैर ठंडे होते हुए भी उसे हवा की बहुत इच्छा होती है, शरीर पर चिपचिपा पसीना, खासकर माथे के ऊपर। रोगी को कमजोरी इतनी कि पेशाब करते हुए भी कई बार उसका मल निकल जाता है, दस्त लग जाते हैं। रोग बढ़ जाने की स्थिति पैदा होती है, अर्ध चेतना स्थिति में रोगी पड़ा रहता है, अपने रोग की उसे चिंता नहीं होती क्योंकि वो अर्ध चेतन में रहता है। परंतु जब उसे सचेत किया जाता है तब वह अचेत हो जाता है। पेट हर समय फूला रहता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, रोगी पसंद नहीं करता कि कोई उसके साथ बातचीत करे, कोई उसके साथ बैठ के उससे किसी भी किस्म की बात पूछे, हालचाल पूछे, उसे ये भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर इतनी कमजोरी बन चुकी होती है कि वो किसी भी जवाब का, किसी भी सवाल का जवाब देने में समर्थ रहता है, समर्थ नहीं होता। बहुत बदबूदार इसको दस्त लग जाते हैं। इसकी जो नब्ज हम चेक करते हैं तो बहुत ही धीमी नाड़ी इसकी चलती है पेशेंट की, कई बार फीवर इसका 98 से नीचे भी आ जाता है। उस समय इसे ठंडा पसीना आने लगता है पेशेंट को, सांसों में इसके बदबू बहुत ज़्यादा होती है, इसके दस्तों में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, इसके मसूड़ों में पस बनने लगता है, दांतों में पस बनने लगता है, दर्द रहने लगता है। इस दवाई के प्रयोग से रोगी गंभीर स्थिति से बच जाता है, वह जल्दी करप कर लेता है। अब मैं आपको इसमें प्रयोग जो हम करते हैं वो बहुत ही उत्तम आपको दवाई बताएंगे। हेंस इसमें सबसे पहली मेडिसिन है बैप्टिसिया, टाइफाइड की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जिसमें रोगी के शरीर में जगह जगह नीले नीले काले काले चकते भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें बैप्टिसिया बहुत उत्तम दवाई है। इसी तरह से इसके साथ सारे सिम्टम्स इसके मैच करते हुए अर्निका मेडिसिन है इसके साथ दूसरी मेडिसिन। इसमें अगली मेडिसिन है फ्रेंड्स रस्टोक्स, उससे अगली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज और लास्ट मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड, जो टाइफाइड से बने हुए कमजोरी, टाइफाइड फीवर में से आई हुई अत्यधिक कमजोरी जिसमें मरीज के सिर के बाल तक उड़ जाते हैं, बहुत अच्छा कार्य करती है उसमें। कार्बोवेज पेशेंट जिसको हर समय पेट भरा भरा लगता है, हाथ पैर उसके ठंडे रहते हैं, हर समय उसको हवा की इच्छा होती है, बंद कमरे में उसको घुटन जैसी महसूस होती है, तो फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ ये मेडिसिन। सबसे पहली मेडिसिन बैप्टिसिया, दूसरी मेडिसिन अर्निका,
तीसरी मेडिसिन रास्टोक्स, चौथी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, पांचवी मेडिसिन कार्बोवेज और लास्ट मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। दोस्तों ये टाइफाइड फीवर कई जगह शुरू हो चुका है और कई जगह पर अब शुरू होने वाला होता है जन्माष्टमी के बाद। जैसा मैंने उपरोक्त आपको बताया है, जब दिन गर्म और रात ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो आप ये मेडिसिन एडवांस 30-30 पोटेंसी में सभी मेडिसिन लें और इसको आप अपने घर में एडवांस बना के रख लें तैयार करके। किसी को भी यदि टाइफाइड फीवर होता है आप तुरंत मेडिसिन देनी शुरू करें, तुरंत असर करना दिखाना शुरू कर देगी ये मेडिसिन, आपके टाइफाइड फीवर को लंबा नहीं खींचने देगी। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं, एलोपैथिक में क्या है कि फीवर में आपको पीसीएम दे देते हैं पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल लंबे समय तक देते चले जाते हैं, आपका फीवर उससे उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, और कमजोरी शरीर में इतनी बन जाती है उससे कि रोगी बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है रोगी के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन आप ये कॉम्बिनेशन आप तैयार करके अपने घर में रखें, अपने किसी भी घर परिवार के सदस्य को यदि ये शिकायत होती है, आपको नहीं होती आपके पड़ोस में होती है, किसी को भी आप धर्मार्थ सेवा है कीजिए तो बहुत लाभ मिलेगा, दुआएं मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।